ओम नमः शिवाय। आज हम देखेंगे नास्त्रेदमस जी की कुंडली। नास्त्रेदमस जी एक प्रख्यात भविष्यवक्ता थे। उन्होंने बहुत ऐसी भविष्यवाणी की जो आज भी सत्य हो रही है। ऐसे क्या खास योग थे उनकी कुंडली में जिसके कारण वो इतने प्रख्यात भविष्यवक्ता बने? तो उनका डेट ऑफ बर्थ 14 दिसंबर 1503 में, 14 दिसंबर 1503 में उनका जन्म हुआ। ग्रहों की क्या पोजीशन थी? देखिए, ग्रहों की पोजीशन इनकी वृश्चिक लग्न बनती है और धनु राशि में सूर्य बुध बैठे हुए हैं, मकर राशि में शुक्र बैठे हुए हैं, मीन राशि में राहु और मिथुन राशि में गुरु शनि चंद्रमा, कर्क राशि में मंगल और कन्या राशि में केतु। ये तो ग्रहों की पोजीशन थी। लगन इनका वृश्चिक हो रहा है और लग्नेय से यहाँ पे मंगल कर्क राशि पे नीच के हैं। क्या ऐसे खास योग थे कि व्यक्ति जो है इतना फेमस भविष्यवक्ता बन सकता है? देखिए, इसके पहले भी हम बात करें तो सुहानी शाह जी की कुंडली में देखे थे तो उनकी कुंडली में भी क्या था कि बुध धनु राशि में और गुरु मिथुन राशि में, ये कॉमन चीज थी। मतलब बुध का गुरु से संबंध बन रहा था, बुध का गुरु से संबंध बन रहा था, सेम ऐसी पोजीशन थी उनकी कुंडली में भी। वो अच्छी माइंड रीडर है ही। दूसरी चीजें देखा था हमने धीरेन्द्र शास्त्री जी की कुंडली में, तो बुध जो थे अपनी राशि में मिथुन राशि में और गुरु जो है धनु राशि में, जैसे इसके अपोजिट था, लेकिन वहां भी बुध का गुरु से संबंध बन रहा था। यहां में भी देखेंगे तो आप देखिए, बुध धनु राशि में, गुरु मिथुन राशि में एक दूसरे के राशि में बैठ के राशि परिवर्तन कर रहे हैं, एक दूसरे की राशि में दृष्टि डाल रहे हैं। ये खास योग ही उनको प्रखर भविष्यवक्ता बना रहा है। बुद्धि का ज्ञान से संबंध बनना एक प्रखर भविष्यवक्ता के कारण ये पैटर्न पे आधारित हो और ये पैटर्न प्रूफ हो रहा है। अब देखिए, ये अष्टम भाव में भी क्या है कि अष्टम भाव का भी अध्यात्म से संबंध होता है। अष्टम भाव में भी गुरु बैठे हुए हैं और शनि बैठे हुए हैं, चंद्रमा बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो है बुध की दृष्टि पड़ रही है अपने घर में, दूसरा सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि गुरु पे भी पड़ रही है, चंद्रमा पे पड़ रही है, शनि भी पड़ रही है। तो गुरु पे जब पड़ रही है तो गुरु को बल मिल रहा है, सूर्य गुरु का संबंध बन रहा है और चंद्रमा में पड़ रही है तो यहाँ पे चंद्रमा पे सूर्य की दृष्टि पूर्णिमा को बताता कि पूर्णिमा का दिन रहा होगा, पूरी सूर्य पे दृष्टि मतलब पूर्णिमा का दिन रहा होगा और शनि पे दृष्टि पड़ रही है। और यहाँ पे गुरु की दृष्टि देखें तो गुरु की दृष्टि सूर्य बुध पे पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे द्वितीय भाव का अष्टम भाव से अध्यात्म भाव से कुटुंब भी इनका बड़ा बन रहा है, परिवार कुटुंब भी लोग इनको जानने वाले भी काफी बन रहे हैं और अष्टम भाव अध्यात्म का ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। तो सिर्फ यदि ये दोनों भाव की बात करें तो ये दोनों भाव से ही ये प्रख्यात भविष्यवक्ता बनते हैं। ये खास योग है। दूसरा योग यदि देखेंगे तो बुध जो है लाभ भाव का स्वामी, धन भाव में, तो यहाँ पे बुद्धि के कारण जो है इनको पर्याप्त धन की प्राप्ति हो रही थी, धन से लाभ भी प्राप्त हो रहा था, तो ये बुद्धि से हो रहा था, बुद्ध के कारण। और वो बुद्ध जो है सूर्य के साथ बैठा है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से भी सपोर्ट, सूर्य बुद्ध बुद्धादित योग बन रहा है। तो ये तो एक खास योग जो मैंने आपको बताया, ये कई बार फेमस व्यक्तियों की कुंडली में मैंने बार बार बताया है आपको। और ये खास योग एक पैटर्न पे आधारित है, ये योग होने से व्यक्ति इस टाइप के लक्षण पे आते हैं। और यदि हम बात करें लग्नेश की तो लग्नेश यहाँ पे मंगल जो है नीच के बैठते हैं भाग्य भाव पे, लेकिन इसमें क्या होता है कि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। दूसरी चीज देखें कि उसके स्वामी जो है कर्क राशि में बैठे हैं, लग्न कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा मिथुन राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पे तो मिथुन राशि में बैठने से कह सकते हैं कि इनका जो है नीच भंग नहीं हो रहा है, लेकिन बुध की अपने घर में दृष्टि पड़ गई है। तो जहां चंद्रमा बैठे हैं उसके स्वामी की अपने घर में दृष्टि बन गई, तो चंद्रमा की पोजीशन हो गई स्ट्रांग, कि वो घर स्ट्रांग हो गया।
तो यहां पे चंद्रमा के कारण मंगल का नीच भंग हो रहा है, चंद्रमा को बुध का बल मिल रहा, बुध के कारण जो है चंद्रमा की पोजीशन स्ट्रांग हो रही, चंद्रमा स्ट्रांग हो गया और मंगल का नीच भंग हो गया। तो इस कारण से मंगल का नीच भंग हो रहा है बुध के कारण, तो बुध यानी बुद्धि के कारण हो रहा है। और केतु जो है, राहु और केतु की बात करें तो राहु जो है पंचम भाव में है, तो आकस्मिक ज्ञान की प्राप्ति, आकस्मिक धन की प्राप्ति। केतु लाभ भाव में, केतु के कारण लाभ प्राप्त हो रहा है। तो राहु केतु की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और शुक्र की बात करें तो 12वें भाव के स्वामी तीसरे भाव में होने का विपरीत राजयोग, तो शुक्र के कारण विपरीत राजयोग भी है। तो ये एक खास योग होने के कारण हमको ये समझ में आता है कि इस कुंडली में भी हमने देखा कि खास योग क्या है, बुध और गुरु। ये बुध गुरु की आमने सामने दृष्टि और बुध गुरु एक दूसरे के घर में बैठने के कारण ये संयोग बन रहा है। और ये संयोग जो है इसलिए इनको इतना प्रख्यात भविष्यवक्ता बनाया। और ऐसे बहुत सारे लक्षण आने वाले लोगों के इसमें हैं कि जो एक भविष्य के बारे में बता सकते हैं, माइंड रीड कर सकते हैं और उनको ज्ञान हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें जो है हम देखा कि किस तरह से पैटर्न काम करता है ग्रहों का। तो ये थे नास्ते दमस जी की कुंडली का संक्षिप्त रूप। आप भी यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद।